हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न ए न्यू चैप्टर इन मैथ दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स और पावर. एज वी नो, रिपीटेड एडिशन is multiplication. Multiplication means कि यदि बार बार हम सेम नंबर को जोड़ते हैं तो वो गुणा है. एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. हियर वी हैव मेड एडिशन ऑफ 2 5 टाइम्स, मतलब 5 बार हमने 2 को जोड़ा. तो इसको हम लिख सकते हैं 5 into 2. इफ वी मेड एडिशन ऑफ 3 plus 3 plus 3 plus 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 into 3. तो रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन. तो हम लोग क्या देखते हैं, यदि बार बार सेम नंबर को जोड़ते हैं तो जितना बार जोड़ते हैं उस नंबर को उतना से गुना करते हैं. सिमिलरली रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स. जैसे कि देखते हैं कि हम 2 into 2 into 2 into 2 into 2, अब 5 टाइम्स हम 2 को गुना करते हैं खुद से, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 5. सिमिलरली यदि 3 को 4 बार गुना करते हैं 3 से, 3 into 3 into 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 to the power 4. तो ये जो तरीका है रिपीटेशन, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन का, इसी को हम लोग एक्सपोनेंट्स बोलते हैं. अब यदि हम देखें कि एक्स को एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डॉट 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 इंटू एक्स, और ये एन टाइम्स है. कितना है, एन टाइम्स है, मतलब एक्स को एक्स से एन टाइम्स गुना करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x to the power n. हियर एक्स को हम लोग बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स. इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं. तो ये जो है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, या हम किसी नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, इसका पर्पस है कि लार्ज नंबर को एक छोटा रूप में लिखना, कंसाइज वे में लिखना. और इसीलिए जब किसी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट देके या पावर देके लिखते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर. इसको हम लोग समझ लिए. अब हम लोग देखते हैं, जैसे अब कोई भी रेशनल नंबर है, तो हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं ए बाई बी के फॉर्म में, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. और इसमें हम कोई पावर देते हैं, और पावर जो होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, यानी जे पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर. देन इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन
बाय बी टू दी पावर एन, मतलब कि ए को एन टाइम्स गुना करना है ए से और बी को भी एन टाइम्स गुना करना है। अब एक इसका एक दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर है और इसको हम 4 बार गुना करते हैं, 2/3 × 2/3 × 2/3। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 × 4। इसको लोग बोलते हैं 2/3 raised to power 4। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2^4/3^4। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 81। तो ये जो है पहला है कि दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, एक तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको लिखना है आपको रेशनल नंबर में, और यदि रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो एक दूसरे को उलट कर लिखना है। दूसरी बात, अब कुछ कुछ खास नंबर है जो हम लोग जो पावर देते हैं एक्सपोनेंट का, कुछ खास नेम है, जैसे हम लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर। अगर हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, x^2 को बोलते हैं एक्स स्क्वायर, या x^3 है इसको बोलते हैं एक्स क्यूब। तो ये स्पेशल नेम है। एक और चीज है कि अगर x^n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/(x^-n)। ये जो है निगेटिव, ये जो पावर है निगेटिव है। या दूसरा, अगर x^-n है तो इसको हम लोग लिखते हैं x^n। तो ये सब तरीका पावर को लिखने का है। अब कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपको बताना है। एक रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल का अगर हम लिखते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ एक्स तो ये होगा 1/(x)। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, तो x का उल्टा 1/(x)। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं x^-1। तो रेसिप्रोकल को हम लोग निगेटिव पावर में, निगेटिव एक्सपोनेंट्स में लिख सकते हैं। और इसका एक और उदाहरण है कि a/b ये रेशनल नंबर है 2^n, इसको हम लोग लिख सकते हैं a^n/b^n। अब रेसिप्रोकल ऑफ a/b^n अभी क्या होगा, ये होगा 1/(a/b^n, या इसको हम लिख सकते हैं a/b^-n। या दूसरा तरीका हो सकता है इसका कि 1/(a^n/b^n बराबर b^(n/a^n इक्वल टू b/(a^n)। तो रेसिप्रोकल ऑफ a/b^n इक्वल टू b/(a^n) और a/b^-n।
ये सारा जो चीज है ये सब आगे हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मदद करेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि 1 to the power n मीन्स 1 into 1 into 1 into 1 dot dot into 1 n times इक्वल टू 1। जैसे 1 into 1 into 1 into 1 is equal to 1। तो जितना बार भी 1 को खुद से गुना करेंगे हमेशा उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अब एक दूसरा चीज है कि यदि -1 है और इसका पावर n है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये तो निश्चित है कि इसका पावर 1 होगा, लेकिन ये प्लस होगा या माइनस होगा ये पता नहीं चलेगा। इसको देखने के उदाहरण देखते हैं कि -1 into -1 into -1 into -1। अब इसमें हम लोग 4 बार उनको -1 को गुणा करते हैं तो -1 into -1 ये +1, ये -1 into -1 +1 और +1 minus +1 into +1 is equal to +1। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल है -1 minus 1 into -1 into -1 into -1। अब इसे 5 बार -1 को खुद से गुना किया है तो ये तो +1, फिर ये +1 और ये -1, ये फिर +1 plus 1 plus 1 और into -1 is equal to -1। तो हम देखते क्या है, यहाँ 4 times है, यहाँ 5 times है, मतलब कि -1 to the power 4 equal to +1 और -1 to the power 5 equal to -1। मतलब जब -1 का पावर इवेन नंबर होगा तो ये होगा 1, और जब -1 का पावर ऑड नंबर होगा तो ये होगा -1। तो ये महत्वपूर्ण चीज। और एक महत्वपूर्ण चीज और है कि कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है वो रेशनल नंबर हो या इंटीजर हो, अगर रेशनल नंबर भी है a by b है एंड b इज कल नॉट इज कल टू 0, तो a by b टू दी पावर 0 और ये दूसरा चीज हम लोग कह सकते हैं कि वेयर a एंड b both are not equal to 0, उस कंडीशन में इसका वैल्यू 1 होगा। ये महत्वपूर्ण है, हम लोग यह यदि सोचते हैं कि इसका पावर 0 होगा तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों, इसका उदाहरण देखिए आप। जैसे हम लिखते हैं 3 to the power 2 by 3 to the power 2, तो 3 to the power 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 2 minus 2, या इसको लिख सकते हैं 3 to the power, तो ये जो है ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। ये जो है इसका बराबर वैल्यू कितना, 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। या हम उधर से चलते हैं 3 to the power 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 3 minus 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 3 by 3 to the power 3 1। तो इस ढंग से इसका वैल्यू 1 होगा। अब हम लोग चलते हैं हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कुछ इसमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, कैसा कैसा न्यूमेरिकल है। तो कुछ हम
एग्जाम्पल से सबसे पहला है कि -32/243 इन पावर नोटेशन इज, तो इसमें चॉइस है, पहला चॉइस है 2/3 to the power -2, दूसरा चॉइस है 2/3 to the power -5, तीसरा चॉइस है -2/3 to the power 5, और चौथा चॉइस है नन। अब हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो -32/243, अब इसको हम लोग को अलग अलग करना है, माइनस को अलग कर दिए 32 और 243, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और नीचे को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब माइनस जो है, हम पहले देख चुके हैं कि माइनस में यदि ये माइनस को हम लोग लिख सकते हैं -1 × 5, हमेशा -1 के बराबर होगा, और ये हो गया 2 to the power 5/3 to the power 5। अब इसको हम लोग कर सकते हैं -1 × 2 to the power 5, 3 to the power 5, इसको हम लिख सकते हैं -2/3 to the power 5। तो कौन सा चॉइस सही है? तो ये सी आंसर क्या है, सी -2/3 to the power 5। तो इस ढंग से ये सवाल बनेगा। अब कुछ वैल्यू है इवेलुएट करने का, इवेलुएट का मतलब होता है उसका वैल्यू निकालना, कि आपके पावर के नोटेशन में है उसका वैल्यू निकालिए। जैसे -2/3 to the power 3, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, -2/3/3 to the power 3, अब ये माइनस, तो हम लोग इसको कर सकते हैं -1/3 × 2 to the power 3/3 to the power 3 −2 × 2 × 2 by 3 × 3 × 3 - 8/27। तो ये हुआ, जबकि ये पावर में है और इसको क्या करना है, इसको हम लोग रेशनल नंबर में लिखना है। अब एक्सप्रेस करना है रेसिप्रोकल में। अब दूसरा उदाहरण है, कहता है एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन एन रेसिप्रोकल ऑफ इट। अब कैसे करेंगे, एक दिया हुआ -125, अब -125 को हम लोग जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, -5 × -5 × -5 = -5
टू दी पावर थ्री, तो हुआ पावर नोटेशन में। अब इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब हुआ वन बाय माइनस ट्वेंटी फाइव, वन ट्वेंटी फाइव, वन बाय माइनस फाइव, माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इक्वल टू वन बाय माइनस फाइव टू दी पावर थ्री, या यही इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो ये एक हुआ अब है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है किसी चीज को। अब एक महत्वपूर्ण चीज और हम लोग को जानना है, वह क्या है कि जीरो पर हम कोई पॉजिटिव पावर देंगे एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों है कि जीरो गुना जीरो इंटू जीरो हमेशा जीरो होगा, लेकिन यदि हम जीरो पर जीरो पावर दें तो ये नॉट डिफाइंड है, और यदि जीरो पर कोई निगेटिव पावर दे दें माइनस वन तो होगा वन बाई जीरो। तो हम लोग देख चुके हैं कि ये भी नॉट डिफाइंड है। तो ये जो है कि जीरो पर कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये भी इम्पोर्टेंट हम लोग को देखना है। अब एक और चीज है टेन का पावर, कि हम लोग कोई बड़ा नंबर है तो उसको हम लोग कैसे टेन के पावर लिखते हैं। जैसे टेन है तो टेन का मतलब क्या हुआ, टेन टू दी पावर वन। अब ये हंड्रेड है, इसको क्या लिखेंगे, टेन इंटू टेन, थाउजेंड है, मतलब जितना सुनना है उतना पावर है, टेन थाउजेंड है। वन लाख है, टेन लाख है, सिमिलरली ये पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखे बड़े नंबर को। और इसलिए जब हमको कोई नंबर लिखना है तो एक चीज और हम लोग देख चुके थे कि अगर वन है तो वन का मतलब क्या हुआ, टेन टू दी पावर जीरो। तो इस ढंग से यदि हमको कोई नंबर है, मान लीजिए वो नंबर 12072 है, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं वन इंटू टेन टू दी पावर फोर प्लस टू इंटू टेन टू दी पावर थ्री प्लस सेवन इंटू टेन टू दी पावर टू प्लस एट इंटू टेन टू दी पावर वन प्लस टू इंटू टेन टू दी पावर जीरो। हम लोग इसको भी इस रूप में भी लिख सकते हैं। एक ये तरीका हुआ। अब है कि दो रेशनल नंबर है और उसका स्क्वायर या कोई पावर में उसका करना है। तो एक एग्जांपल है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ माइनस थ्री बाई फाइव एंड क्यूब ऑफ माइनस वन बाई थ्री। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं पहले तो प्रोडक्ट में गुणा हुआ तो माइनस थ्री बाई फाइव
का स्क्वायर मतलब इसका पावर टू इंटू माइनस वन टू दी पावर थ्री का क्यूब। अब इसका क्या होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर माइनस थ्री टू दी पावर टू इंटू माइनस वन टू दी पावर थ्री, थ्री टू दी पावर थ्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री। और ये जो माइनस वन है इसका थ्री पावर वन हो जाएगा, नीचे फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया नाइन, नीचे हो गया पच्चीस इंटू नाइन, तो पच्चीस इंटू नाइन हो गया आपको 225। यही आंसर होगा, मतलब इसको पावर से हम लोग फिर रेशनल नंबर में लिखें। तो एक उदाहरण ये हो गया। तो इस ढंग का हम लोग कर चुके हैं। अब एक दूसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फाइव टू द पावर एक्स इक्वल टू 625। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आपको दिया हुआ है 5 टू द पावर x इक्वल टू 625। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 625 को, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, हम लोग जानते हैं 25 को जब 25 से गुना करेंगे तो होगा, तो बराबर क्या होगा 5 टू द पावर 4। ये 5 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर 4, इसलिए एक्स इक्वल टू फोर। इस ढंग का ये है, तो इस ढंग से आप इसका जो दिया हुआ है असाइनमेंट उसको बनाएंगे। अब एक में दूसरा, इसमें दूसरा पार्ट आता है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट जो है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब कुछ फार्मूला इसका है, फार्मूला क्या है कि जैसे पहला जो है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस, पहला जो है वो है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। अब देखिए इसका क्या है, जैसे बेस है आपका 2 और इस पर पावर है 3 और इसको गुणा के 2 टू द पावर 2 से, 2 टू द पावर 2 से, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब कितना हो गया 5, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। इसको हम यहाँ भी लिख सकते थे 2 टू द पावर 3 प्लस 2, 2 टू द पावर 3 प्लस 2, मतलब कि अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो हम देखते हैं उदाहरण कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n बराबर हो गया x टू द पावर m प्लस n। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला, पहला फार्मूला ये है, क्या पहला फार्मूला कि यदि हम बेस सेम है और दोनों का गुना है तो पावर क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हमेशा याद रखेंगे, आपको आगे काम आएगा। दूसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। दूसरा क्या है, डिवाइडिंग पावर विथ द सेम बेस। अब हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर का उदाहरण लेते हैं,
यदि हमने लिखा 2 to the power 5 बाई 2 to the power 3, तो क्या कर सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, नीचे 2 into 2 into 2. अब इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 2 into 2 बराबर 2 to the power 2. अब इसको हम लोग इसका दूसरा लिख सकते थे, 2 to the power 5 minus 2 to the power. अब रेसिप्रोकल भी इसको हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, तो ये हो गया आपको 2 to the power 2. अब देखते हैं क्या अंतर आ रहा है, कि जब सेम बेस है और एक पावर को दूसरे पावर से डिवाइड दे रहे हैं तो वो घट जाता है. तो इसका हम कर सकते हैं, यदि x to the power n और x to the power n, तो इसको हम लोग कर सकते हैं x to the power m minus n. मतलब डिवीजन में क्या होता है कि पावर घट जाता है यदि बेस सेम हो. तो ये दूसरा आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको आगे काम देगा. तो ये दो फार्मूला हुआ. अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं तीसरा फार्मूला. तीसरा क्या है, पहला मल्टीप्लीकेशन पावर द सेम बेस, दूसरा डिवाइड पावर विद द सेम बेस. अब तीसरा हम लोग आते हैं, थर्ड है आपको मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट. अभी तक बेस की बात होती थी, अब तीसरा है मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ द सेम एक्सपोनेंट्स. अब इसका उदाहरण देखिए, ये है 2 to the power 3 और इंटू 3 to the power 3. अब ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. इसको लिख सकते हैं 2 into 3 into 2 into 3 to 2 into 3. इसको लिख सकते हैं 6 into 6 into 6. इसको लिख सकते हैं 6 to the power 3. अब इसमें हम क्या देखते हैं, कि अगर ये सेम एक्सपोनेंट्स है और बेस अलग अलग है तो बेस दोनों गुना हो जाएगा. मतलब 2 to the power 3 into 3 to the power 3 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 to the power 3 equal to 6 to the power 3. तो इसमें यदि दो डिफरेंट बेस है, मतलब कि एक है x और उस पर पावर m है और एक बेस है y उस पर पावर m है, तो ये क्या होगा, x पावर m. तो तीसरा जो है इम्पोर्टेंट आपका फार्मूला है, तीसरा जो प्रिंसिपल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आगे काम में आएगा. अब चौथा की चर्चा करते हैं, फोर्थ जो लॉ है एक्सपोनेंट्स का, उसकी चर्चा करते हैं. फोर्थ लॉ क्या है, वो है टेकिंग पावर ऑफ पावर. अब इसका उदाहरण देते हैं, जैसे आपका है 2 to the power 2 to the power 3. इसका मतलब क्या हुआ, 2 per power 2 into 2 per power 2 into 2 per power 2, मतलब 2 per power 2 को खुद से 3 बार गुणा करना. अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं पहला फार्मूला से, सेम बेस पर अगर पावर है तो 2 to the power 2 plus 2 plus 2 इसकल टू 2 to the power 6. यदि इसको हम करते हैं कि 2 per power 2 per power 3, तो इसको करते हैं दोनों पावर को गुना कर दें, 2 into 3 equal to 2 to the power 6. तो इससे निकल के क्या आता है, कि यदि कोई बेस है ए या एक्स मानते हैं, एक्स उस पर एक पावर एम है और इस पर भी पावर एन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स एम टू द पावर एन. तो ये तीसरा फार्मूला निकल के आया टेकिंग पावर ऑफ पावर, ये भी आपका इम्पोर्टेंट, ये
तीसरा ये भी इम्पोर्टेंट है। अब लोग हम लोग चर्चा करते हैं, सॉरी ये चौथा था, चौथा सॉरी ये चौथा था फोर्थ, इट वॉज फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इसके बाद फिफ्थ का, फिफ्थ की चर्चा करते हैं। फिफ्थ है नंबर विथ एक्सपोनेंट जीरो, नंबर विथ एक्सपोनेंट जीरो। अब पिछला बार हम देख चुके थे कि जैसे थ्री टू द पावर फोर, वह थ्री टू द पावर फोर को हम लोग लिखते हैं थ्री टू द पावर फोर माइनस फोर इक्वल टू थ्री टू द पावर जीरो। अब इसका वैल्यू क्या होता है, वन बराबर थ्री टू द पावर जीरो, मतलब कि कोई भी नंबर है, नॉन जीरो नंबर है और उस पर हम पावर जीरो देते हैं तो इसका वैल्यू वन होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको हमेशा याद रखना है। नाउ लास्ट लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लास्ट लॉ क्या है, डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट्स। Dividing power with same exponent. जैसे बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। अब इसका उदाहरण दे सकते हैं हम लोग, क्या कि 2 पर पावर 3 है और 3 पर पावर 3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, नीचे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 बाई 3 इंटू बाई 3 इंटू 2 बाई 3, इसको लिख सकते हैं 2 बाई 3 टू दी पावर 3। मतलब यदि x y m है और डिवीजन y m है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर m बाई y टू द पावर m, और इसको लिख सकते हैं हम लोग x बाय y टू द पावर m। तो यही फार्मूला निकल के आया कि यदि x टू द पावर m बाय y टू द पावर m, इसको हम लिख सकते हैं x y y टू द पावर m। ये जो चौथा है ये इम्पोर्टेंट फार्मूला आपका, आगे सारा जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आएगा। तो इसलिए सारा ये जो लॉ फोर लॉ हम लोग अभी डिस्कस की, इसको याद रखना। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ में क्या क्या है, जैसे कुछ कुछ हम लोग को ध्यान रखना है, कुछ की चर्चा पहले भी कर चुके हैं, जैसे x टू द पावर n का मतलब हुआ x इंटू x इंटू x इंटू डॉट डॉट टू x, मतलब कि जो x होगा n टाइम्स। दूसरी बात, 1 बाय 2 ये पहला हुआ, 1 बाय 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ऐसा क्यों, 1 बाय 2 का ये जो स्क्वायर हुआ ये हुआ वन बाई फोर, वेयर एज वन स्क्वायर बाई टू हुआ
वन इंटू वन बाय टू इक्वल टू वन बाय टू, इसलिए वन बाय टू का जो स्क्वायर है इज नॉट इक्वल टू वन स्क्वायर बाय टू, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि हमेशा बनाने में काम आएगा। थर्ड हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि माइनस वन टू द पावर इवेन नंबर इक्वल टू वन एंड माइनस वन टू द पावर ऑड नंबर इक्वल टू माइनस वन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा इसको आपको काम में आएगा, इसको ध्यान में रखना है। अब चौथा ये भी बता चुके हैं लेकिन फिर रिपीट कर रहे हैं, x टू द पावर इक्वल टू वन, ये इम्पोर्टेंट वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो, चूंकि जीरो टू द पावर जीरो नॉट डिफाइंड, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब फिफ्थ, x प्लस वाई टू द पावर m इज नॉट इक्वल टू x टू द पावर m प्लस y टू द पावर, सिमिलरली x माइनस वाई टू द पावर m इज नॉट इक्वल टू x टू द पावर m माइनस y टू द पावर, ये ध्यान में रखना है। और दूसरा, जीरो टू द पावर x इज नॉट इक्वल टू वन, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि जीरो पर जब भी पावर होगा कोई नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर होगा इसका वैल्यू जीरो होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, ये भी याद रखने वाला चीज है। अब अगला, इफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एक्स टू द पावर एम देन एन इज इक्वल टू एम। दूसरा, इसमें इफ एक्स टू द पावर एम इक्वल टू वाई टू द पावर एम देन एक्स इक्वल टू वाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी याद रखना है, ये सारा न्यूमेरिकल बनाने के काम में आएगा। तो बॉय, इस ढंग से हमने आज एक्सपोनेंट्स पावर के बारे में चर्चा की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 7 और क्लास 8 के लिए, इसलिए दोनों क्लास के विद्यार्थी इसको गंभीरता से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन को बताएंगे, करीब 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।